छोटी कदकाठी की दिव्या रावत आज पूरे प्रदेश में एक चर्चित महिला उद्यमी चेहरा बनकर उभरी हैं। अपनी छोटी सी आयु में दिव्या रावत ने मशरूम उत्पादन क्षेत्र में कई मुकाम हासिल किए और देहरादून में मशरूम लेडी के नाम से विख्यात हुई। परिश्रम, समर्पण और लगन के फलस्वरूप दिव्या आज राष्ट्रीय स्तर पर मशरूम उत्पादन में युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी हैं। जो यंग जनरेशन है हमारी, मैं जिस ग्रुप में आती हूँ, मतलब मैं भी एक युवा हूँ और जितने भी युवा हैं मेरे साथ के, उन सबको मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि प्लीज़ वो अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आएँ, मतलब जस्ट चल। और जो बहुत ईजी लाइफ हैबिट हो चुकी है उनकी, बहुत आसान ज़िंदगी जीने की, कोई मेहनत ना करने की, बहुत ही ईजी और कम्फर्टेबल तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की, उस कम्फर्ट जोन से बाहर आएँ और अपनी लाइफ में कुछ इनोवेटिव, कुछ चैलेंजिंग और कुछ कंस्ट्रक्टिव करें। और जिस तरह से मैं ये काम को कर रही हूँ, वो लोग भी अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आएँ और कुछ काम करें। फौजी अफसर स्वर्गीय तेज सिंह रावत की बेटी दिव्या रावत का परिवार मूल रूप से दूरदराज क्षेत्र चमोली के कंडारा गाँव का रहने वाला है। सन 1989 में जन्मी दिव्या रावत ने अपनी स्कूली शिक्षा देहरादून और सोशल वर्क में एमिटी यूनिवर्सिटी दिल्ली से मास्टर डिग्री हासिल की। अपनी उच्च शिक्षा की पढ़ाई पूर्ण करने के उपरांत दिव्या रावत ने एक विख्यात एनजीओ शक्ति वाहिनी के साथ कार्य आरंभ किया। यहीं दिव्या रावत को महसूस हुआ कि हुनर और अवसर की कमी के कारण रोजी रोटी के लिए उत्तराखंड की युवा शक्ति सुंदर पहाड़ों, नदी नालों और पहाड़ी संस्कृति से दूर रहने को मजबूर हैं। दिव्या ने वापस अपने गांव लौटने का मन बना लिया और उत्तराखंड पहुंची। इसी दौरान उसने मशरूम की खेती के बारे में जानने के लिए सोलन स्थित मशरूम अनुसंधान केंद्र का रुख किया। निदेशालय के वैज्ञानिकों से मिलकर उनमें खुम्ब उत्पादन के प्रति इच्छा जागृत हुई। खुम्ब अनुसंधान निदेशालय की स्थापना वर्ष 1983 में NCMRT नेशनल सेंटर फॉर मशरूम रिसर्च एंड ट्रेनिंग के रूप में हुई। इस निदेशालय का मुख्य उद्देश्य विभिन्न खुम्बों के ऊपर खोज करना और किसानों को प्रशिक्षण देना है। वर्ष 1983 से लेकर लगातार यह निदेशालय किसानों को, एंटरप्रेन्योर्स को, वैज्ञानिकों को लगातार ट्रेनिंग देता आ रहा है। अब इस वर्ष भी हमने 2 किसान शिविर लगाए, 2 एंटरप्रेन्योर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कराए और दूसरे कई TSP NEH रीजन के किसानों के लिए भी कई प्रशिक्षण शिविर लगाए। इस तरह हर वर्ष हम सैकड़ों किसानों को ट्रेनिंग देते आ रहे हैं। इसी श्रृंखला में दिव्या रावत, जिन्होंने हमारे डायरेक्टरेट में प्रशिक्षण प्राप्त किया, यहाँ से उन्होंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, यहाँ प्रशिक्षण उन्होंने लिया एंटरप्रेन्योर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में और वहाँ पे उत्तराखंड में अपना मशरूम का खेती बाड़ी उन्होंने शुरू की। वो आज कई किसानों को, महिलाओं को, यूथ को जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं, उनको प्रशिक्षण देती है और विभिन्न जैसे अलग अलग मशरूम के ऊपर जो है वो उसमें खेती के बारे में किसानों को बता रही है। दिव्या ने अपने आवास से ही 100 बैग मशरूम उत्पादन का काम शुरू किया और जल्दी ही अपनी मेहनत के बल पर उसने रफ्तार पकड़ ली। खुम्ब की खेती को दिव्या ने एक मिशन की तरह लिया और तय किया कि प्रदेश के युवाओं को भी मशरूम उत्पादन के साथ जोड़ेंगी। उनका लक्ष्य है उत्तराखंड के घर घर तक मशरूम पहुँचाना। मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में महारत हासिल कर चुकी दिव्या ने 35 से 40 डिग्री तापमान में मशरूम उत्पादन कर इस क्षेत्र में रोजगार की नई संभावनाओं को जन्म दिया। दिव्या का घर न सिर्फ मशरूम की प्रयोगशाला है बल्कि सीखने वालों के लिए उच्च कोटि के संस्थान से कम नहीं है। दिव्या ने वर्ष 2012 में मशरूम उत्पादन क्षेत्र में कदम रखा और देखते ही देखते वह उत्तराखंड में मशरूम उत्पादन में एक सफल उद्यमी चेहरा बन गई। 2013 में मैंने डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सोलन से एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग ली है यहाँ पे आकर, और 10 दिन का मैंने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया जिसमें कि मैंने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में ही काम किया। उससे पहले क्या था कि जब भी मैंने ट्रेनिंग ली थी वो थ्योरी थी, इतना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता जब हम लोग काम की शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ पे आई, बहुत अच्छा लगा कि सब लोगों का बहुत ही
एक्टिव इवन प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स था, सब लोगों ने बहुत हेल्प किया, अच्छे तरीके से चीज़ें समझाई। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये थी कि हर एक मशरूम का डिफरेंट साइंटिस्ट था, तो अगर हमें जिस मशरूम के बारे में हमें जानना था तो उस ट्रेनिंग में ये हुआ कि हर एक मशरूम का एक डिफरेंट साइंटिस्ट है, आप उस साइंटिस्ट को कंसल्ट करिए। और उसके साथ साथ बेस्ट पार्ट इस ट्रेनिंग का ये रहा मेरे लिए, जो मशरूम कल्टिवेशन में मैंने ट्रेनिंग ली है एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग सोलन से DMR से, उसमें ये रहा कि थ्योरी हमने पहले पढ़ी और फिर उसके बाद जो भी हमने सारी चीज़ें करी वो प्रैक्टिकल किया, जो कि ऐसा बहुत कम जगह में इस तरीके का एक्सपीरियंस और इस तरीके का एक्सपोजर मिलता है। आज दिव्या रावत सौम्या फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से अपनी कंपनी का बखूबी संचालन कर रही हैं। इस कंपनी का सालाना लाखों का टर्नओवर है, जहां बेरोजगारों को रोजगार भी मुहैया करवाया गया है। मैं सभी महिलाओं को यह संदेश देना चाहती हूं कि जिस तरह से मैं इस काम को कर रही हूं, वो लोग भी इस काम को कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल हुआ उन सभी महिलाओं के लिए जो अब कुछ का जो कुछ भी अपना खुद का कुछ स्वरोजगार या अपना खुद का कुछ काम करना चाहते हैं। उसमें मशरूम एक ऐसी खेती है जो कमरे के अंदर की जाती है, बाहर नहीं करते हैं हम लोग। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है बाहर करना है, या जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी खेत गाँव में जितनी भी औरतें हैं खेतों में, वो इतना हार्ड वर्क करती हैं तो उसके बदले वो भी इस काम को कर सकती हैं। या कोई भी और ऐसी लेडी है जो कि घर में अगर उनके एक दो कमरे खाली हैं तो वो भी इस काम को कर सकती हैं, और ईजिली वो अच्छे तरीके से करीबन अपने दो कमरों में, एक या दो कमरों में वो भी अपना थोड़ा थोड़ा करके ये काम की शुरुआत कर सकती हैं, जिस तरह से मैं इस काम को कर रही हूँ। मशरूम उत्पादन के सफर में दिव्या रावत को कई राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कार और अवार्ड भी प्राप्त हुए। उत्तराखंड सरकार ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में दिव्या रावत को भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 1,00,000 रुपए के नारी शक्ति पुरस्कार 2016 से नवाजा है। राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 8 मार्च 2017 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिव्या रावत को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया। दिव्या कहती हैं, अपना काम खुद करो फिर दूसरों को सीख दो। ये सीख दिव्या को सोशल वर्क में मास्टर डिग्री की पढ़ाई ने सिखलाई। दिव्या चाहती हैं कि पढ़े लिखे नौजवान रोजगार के लिए पलायन ना करें। वह मशरूम उत्पादन के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करती हैं। वह सप्ताह में एक दिन अपनी गाड़ी में मशरूम की ट्रे रखकर रोड शो भी करती हैं। दिव्या सोशल साइट्स के माध्यम से भी लोगों को मशरूम उत्पादन के प्रति जागरूक करती हैं। दिव्या की कंपनी के मशरूम उत्पाद की अधिकतर खपत देहरादून की मंडी में हो जाती है। कुछ हिस्सा लोकल बाजारों और शेष दिल्ली स्थित आजादपुर मंडी में जाता है। वर्ष 2013 में उत्तरांचल में आई आपदा के समय भी दिव्या ने अपने पैतृक गांव कंडारा चमोली गढ़वाल जाकर महिलाओं को मशरूम का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। दिव्या ने गांव के खाली पड़े खंडहरों और मकानों में ही मशरूम उत्पादन शुरू कर दिया। इसके अलावा कर्णप्रयाग, चमोली, रुद्रप्रयाग, यमुना घाटी के विभिन्न गाँव की महिलाओं को इस काम से जोड़ा। दिव्या ने मशरूम उत्पादन में आज वह कर दिखाया जिसके बारे में अब तक सिर्फ बातें होती हैं। इसलिए उत्तराखंड में दिव्या को मशरूम लेडी के नाम से जाना जाता है। निदेशालय खुम अनुसंधान केंद्र सोलन दिव्या रावत के सफल उद्यमी जीवन की ईश्वर से कामना करता है और उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता है।